हम लोग बात करेंगे आज पोल्यूशन की, कैसे पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन फिश की लाइफ को, फिश इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। तो फिर बेसिकली जो पोल्यूशन है, इट मेक हार्म डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। ओके, इन इनडायरेक्ट वे इट चेंज द सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऑफ द फिश। दिस पोल्यूशन में किल द जो सोर्स है, फूड की सोर्स है, उनको अफेक्ट कर सकते हैं, उनको किल कर सकते हैं। और देन में कोई द ओवर ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एल्गी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एक्वेटिक सिस्टम और विच लीड टू द डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन। बेसिकली इट इंक्रीज द, ये अनदर वर्ड वे यू कैन से द इट इंक्रीज द बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर। इट वॉज एस्टिमेटेड बाई अमेरिकन सोसाइटी that there are approximately 70,000 of chemicals used daily, or approximately 10 million substances are there which are leached out in the water through the anthropogenic activity, or out of these chemical approximately 2000 chemicals are the toxic to the fish, and it was estimated there are approximately 32,500 species of fish are there which are present in aquatic system. So exposure to these compounds, a pollutant, they may change the physiological condition of fish. Physiological, it दे में इंक्रीज द चांस ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट, बिकॉज जैसे ही क्या होगा कि इनकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन चेंज होगी, मतलब इम्यून सिस्टम वीक होगा, और इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से क्या होगा कि जो पैथोजेंस है, जो कभी पैथोजेनिसिटी कोज करने लायक नहीं है, वो भी पैथोजेनिसिटी कोज कर देंगे फिश में। दूसरा जो एडवर्स इफेक्ट है इनके, पोलूटेंट क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को डिप्लीट करते हैं, वहाँ का पीएच चेंज कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ कर सकते हैं, और लार्ज अमाउंट ऑफ उनके डिके से या उनके बनने से क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑर्गेनिक मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। तो वे क्या है कि ये पूरी तरह से क्या है कि फिश की, जो फिश को अफेक्ट कर देंगे, उसकी ग्रोथ और उसकी जो हेल्थ है उस पर निगेटिव इफेक्ट डालते हैं। जैसा अभी आपने सुना होगा कि भाई जो कोरल रीफ है वो डेड हो गई है, किस वजह से, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा केमिकल यूज करने की, स्पेशली केमिकल की वजह से, स्पेशली एनवेज। हेलो, ओके। उसके अलावा ये तो इंटरनल की बात थी, उसके अलावा क्या कर सकते हैं, ये जो पोलूटेंट है दे में इफेक्ट द ओपरकुला, उनके गिल को अफेक्ट कर सकते हैं, जो फिन है उसकी एज को अफेक्ट कर सकते हैं, और स्किन डिजीज भी कोज कर सकते हैं, स्किन को अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एसिडिफिकेशन हो जाए या ज़्यादा एल्कलिनिटी बढ़ जाए तो क्या होगा, ये आपका फिश की ओवरऑल जो हेल्थ है उसको अफेक्ट करेंगे। इन कंपाउंड में क्या हो सकते हैं, इसमें हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं, जैसे सीरोसोटोन, ये ब्राउन कंपाउंड्स है जो केमिकल और इन सबसे कॉपर से निकलता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से निकलता है, कैडमियम, अमोनिया, कॉपर, फिनोल, पल्प, ये बेसिकली जो मिल या इंडस्ट्री से निकलने वाले, इनमें क्या होता है, बेसिकली क्लोरीन होता है, और क्लोरीन आप जानते हैं कि ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ओके, तो दैट अफेक्ट द, ये आपका फिश को अफेक्ट कर देगा। दूसरा, तो ये फिश को, फिश की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। एक मिनट, फिश की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, तो इनमें सबसे पहले जो चीज आती है वो आता है सीवेज वाटर। अब सीवेज वाटर आप जानते हैं कि सीवेज से कितने डोमेस्टिक, आप सुबह से शाम तक कितने केमिकल, कितने उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल, दोनों चीजें हो सकती हैं जो सीवेज में ऐसी बहाई जाती है। तो बेसिकली जो सीवेज वाटर है घर हाउस होल्ड से निकलता है, उसमें ये दो तरह का होता है, वन इज द व्हाइट एंड वन इज द ग्रे या ब्लैक। तो ब्लैक हाँ, ब्लैक इज कंसिस्ट ऑफ द फीकल वाटर या फीकल मैटर, और जो
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। जो ग्रे वाला है या वाइट कह दो, उसमें ग्रे वाले में आपके बाथिंग और वाशिंग, गार्डनिंग और ये सबसे जो केमिकल निकलते हैं, पोल्यूटेंट निकलते हैं, वो सब ग्रे में आते हैं। दूसरा, इसके अलावा जो वाटर को जो एक्टिविटी है, ह्यूमन रिक्रिएशन एक्टिविटी या कोई प्ले गेम होते हैं, या क्या होगी आपके वाटर पार्क होते हैं, उसमें आपको पता भी नहीं चलता कि कितने सारे बैक्टीरिया, कितने सारे केमिकल और ये सब चीज़ें कितनी सारी आप पानी में मिला देते हो। तो दीज ऑल कंट्रीब्यूट टू द जो वाटर पोल्यूशन। ओके, अब दूसरी तरह से जो इंडस्ट्रियल हैं, इंडस्ट्रियल से क्या क्या निकलता है, देर जो पल्प, पेपर, पेट्रोकेमिकल, रन ऑफ केमिकल, साल्ट एंड एसिड्स, और दीज ऑल साल्ट बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स, दे कंटेन द क्लोरीन। ओके, उसके अलावा दूसरा एग्रीकल्चर वेस्ट, एग्रीकल्चर से जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में क्या है कि जो आप पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, यूरिया, केमिकल जो भी सब यूज करते हैं, दे ऑल कंट्रीब्यूट टू द वाटर पोल्यूशन। ओके, अल्टीमेटली क्या है कि सब पानी में मिलेंगे। दूसरा जो फोर्थ टाइप का है वो अर्बन, अर्बन वाले में क्या है कि इट कंटेन द डोमेस्टिक, कॉम्बिनेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट दोनों का है, दैट ड्रेन इनटू द रिवर और जो सी है, अल्टीमेटली सी में जाना है। ओके, तो स्ट्रोम ऑफ, अगर मान लो आंधी तूफान ये सब आ जाए, स्ट्रोम ऑफ ड्रेन, ये क्या है, दे कंटेन द पेरियार्ड, डर्ट, पेस्ट, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, वो सारे केमिकल अल्टीमेटली जाके क्या मिलते हैं, पानी में मिल जाते हैं, और दिस ऑल लीड टू द वाटर पोल्यूशन। दिस में लीड टू द बायोलॉजिकल हजार्ड्स, और उस बायोलॉजिकल हजार्ड्स में क्या है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट, वायरस, एंड दीज आर सम ऑफ द डिजीज कोजिंग लाइक द इकोलाई, टाइफॉइड, साइनोलर, टाइफी, ओके, क्लोरा एंड सेजुलेसिस, ये सब क्या है, ये सब डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया, जैसे फंजाई है, एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस की जो स्पीसीज हैं, वो सब क्या वाटर पोल्यूशन में मिल जाती है, क्या वाटर में मिल जाती है, मीन पोल्यूशन कोज के थे। पैरासाइट क्या क्या हो सकते हैं, क्रिप्टोस्पोरिडियम, यार्डिया, राउंड वर्म्स, ये सब भी सीवेज वाटर से जा सकते हैं। वाटर आप जानते हैं कि हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, ये वाटर के थ्रू, सीवेज वाटर के थ्रू ये पानी में जा सकते हैं। और अभी आप जो देख रहे हैं कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस पानी में 4 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं, अगर ये पानी में किसी तरह से चल जाए तो। यू कैन इमेजिन कि स्विमिंग करना या आपका स्विमिंग पूल में जाना कितना खतरनाक हो सकता है। ओके, तो दिस ऑल लीड टू द वाटर पोल्यूशन, और अल्टीमेटली क्या है, जो फिश की हेल्थ है उसको अफेक्ट करेगा। ओके, इफेक्ट क्या क्या है, आप जानते हैं कि अगर सीवेज वाटर क्या है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक, और ये क्या करते हैं, दिस ऑल लीड टू द यूट्रोपिक कंडीशंस, यूट्रोपिक कंडीशन इन वाटर, यूट्रोफिकेशन हो जाता है, वहाँ पर एल्गल ब्लूम, एल्गी की ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस ग्रोथ में क्या क्या है, देर आर सम डिजीज कोजिंग, डिजीज कर देते हैं इसे, क्रिप्टोबैक्टर्स, ईट्रेडा, इकोलाइट्रेडा, सरेटा, दीज आर द मेन वायरसेस, सम वायरसेस विच आर प्रेजेंट इन यूट्रोपिक वाटर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपोनेंट ज़्यादा होता है। ओके, वहाँ पे ग्रोथ, एल्गी और इन सब की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, लेकिन बीओडी घट जाती है, बीओडी बढ़ जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, मीन्स पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और दिस जो पोल्ट्री का फिकल मैटर, पोल्ट्रीज है, यहाँ पे मुर्गी पालन और ये सब होता है, अल्टीमेटली सफाई के टाइम में क्या है कि वो सब पानी में बहा दिया जाता है, और पानी में बहाने से क्या होगा, इट में लीड टू द, इट में बी ए पोल्यूटेंट, क्योंकि वो भी पोल्यूटेंट, उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल है, फिकल मैटर है। तो इस तरह के जो इन अलास्का, इन इजराइल, इट वॉज रिपोर्टेड दैट दिस फीकल मैटर फ्रॉम द फिशरी, पोल्ट्री फिश, फीकल फिश
that lead to the death of a mortality of carp, silver carp. Okay, hypothalamic ichthys moltres in Israel. Okay, तो यहाँ पे इसराइल में ये पीके जो पोल्ट्री फीसीज है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है. अब दूसरा है कि डाय जहाँ पे यूट्रोफिक कंडीशन होती है या सीवेज वाटर होता है तो डायनोफ्लोजेट की डायनोफ्लोजेट जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं. ओके तो दे सीक्रेट जो जितने भी डायनोफ्लोजेट हैं दे सीक्रेट द टॉक्सिन और वो टॉक्सिन मटेरियल क्या है कि फिश को किल कर दे कोई द इरोजन ऑन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द फिश. और एपिथेलियल सेल्स में क्या करते हैं देखो इधर दे लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अल्ट्रेशन और दीज अल्ट्रेशन इवन इफ ए फिश इज रिकवर फ्रॉम दिस डायनोफ्लेजेट या इनके टॉक्सिन से रिकवर हो जाए लेकिन जो लेजेंस हैं लेजेंस जो बन जाते हैं ड्यू टू दिस डायनोफ्लेजेट्स दे लीड टू क्या है कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया और फंजाई दूसरे फंजाइस है उनकी ग्रोथ के या उनके कोलोनाइजेशन के लिए साइट प्रोवाइड कर देते हैं और साइट प्रोवाइड करने से क्या होगा वहाँ पर अल्टीमेटली दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाएगी और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाने से क्या होगा फिश जो है वो अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी या वीक हो जाएगी. दूसरा हारमोन्स जो है जैसे बहुत सारे हारमोन्स हैं दूध निकालने में भी बहुत सारे स्टेरॉइड ड्रग्स भी आजकल हैं तो क्या कि दीज अल्टीमेटली ड्रग्स कुछ ही अमाउंट अब्जोर होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द अमाउंट यूरिन और फीकल मैटर के थ्रू निकल जाता है और जो अल्टीमेटली सी में मिलता है और वहाँ पे क्या है कि उसकी फिश की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी खराब कर सकते हैं. इवन सम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ द कि जो जो चेंज ऑफ द सेक्स ऑफ द फिश. ओके उसके चेंज उसको भी चेंज कर सकते हैं. दूसरा पेस्टिसाइड भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भाई पेस्टिसाइड कौन कौन से हैं. पेस्टिसाइड्स ये क्या है जो वीड्स जो हर्ब्स हैं स्मॉल हर्ब्स हैं या बग्स या इंसेक्ट्स उनको किल करने में यूज किए जा सकते हैं. अल्टीमेटली दे ड्रेन टू द पॉन्ड रिवर एंड सी विद द हेल्प ऑफ हैवी रेन या रेन की वजह से या लीच आउट होने की वजह से अल्टीमेटली वाटर में चले जाते हैं लो इवन में वेरी लो कंसेंट्रेशन. अगर बहुत कम कंसेंट्रेशन भी है तो ये फिश की हेल्थ के लिए इट हार्मफुल है इसको किल कर सकते हैं. ओके इवन दे लीड टू द मोर्ट हाई रेट ऑफ मोर्टलिटी और इवन दे लीड टू द डिक्रीज ऑफ फिश पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया. दूसरा ये पेस्टिसाइड्स हैं इनकी हाफ लाइफ भी बहुत ज्यादा है मतलब बहुत ज्यादा है दिनों में डिग्रेड होते हैं जैसे अभी भी DDT 70s में बैन हो गया था लेकिन अभी भी कुछ कुछ ट्रेस अमाउंट ऑफ DDT मिल जाते हैं. दूसरा जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है जो कोयला है इस तरह की चीजें हैं वो भी हैवी मेटल्स और ये इस तरह की चीजों का मिक्सचर से निकालते हैं. ओके दैट डिपॉजिट ऑन द बॉडी ऑफ वाटर. ओके है इन सब की वजह से क्या होगा कि ये क्या पेस्टिसाइड्स जो है पेस्टिसाइड क्या है कि फिश की जो ग्रोथ है या तो सेंटिट हो जाएगी छोटे मतलब छोटे छोटे एनिमलों में या फिश जो इसमें फिश की ग्रोथ है वो सेंस नहीं कर पाएगा अपने प्रेडेटर्स और प्रे को मतलब फूल ढूंढ भी नहीं पाएगा और जो उसका प्रेडेटर है उसमें जो उसको सेंस नहीं कर पाएगा जल्दी क्या है कि प्रे उसको किल कर लेगा क्योंकि उसकी सेंस स्मेल तो आ नहीं रही उसको तो क्या है किल कर देगा. पेस्टिसाइड जनरली क्या है कि बहुत तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं और उसमें एक है कि फूड सोर्स का डिस्ट्रक्शन. तो पेस्टिसाइड क्या है कि जनरली क्या है कि फिश जो छोटी छोटी हैं छोटे छोटे वीड्स और इन सब पे डिपेंड्स है या इनवर्टिब्रेट्स पे डिपेंड्स है तो क्या है उनको ही किल कर देगा उनके लार्वा को किल कर देगा तो इन सब से क्या होगा फिश को फूड ही नहीं मिलेगा. दूसरा अगर पेस्टिसाइड मान लो फूड में नहीं है तो फिश को भी डायरेक्टली हार्म कर सकते हैं. अगर मान लो पेस्टिसाइड ने नहीं किया तो ये क्या है कि दूसरे लेवल में ट्रांसफर हो जाएगा मतलब फिश में आ जाएगा और यहाँ पे क्या है कि उसका एक्युमुलेशन हो जाएगा फिश के अंदर क्योंकि फिश इंसेक्ट फीड करेगी और एक्युमुलेशन से क्या होगा अल्टीमेटली बायो एक्युमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन अल्टीमेटली लीड टू द डेथ ऑफ द फिश. ओके दूसरा है फ्लश इफेक्ट. अब फ्लश इफेक्ट
फ्लश से क्या है कि यूरिन और ये सब चीजों में जो वेस्ट मटेरियल है, ह्यूमन यूरिन और फिशीज है, क्या है कि जैसे मैंने पहले बताया कि आपको कि ड्रग्स जो है वो कम्प्लीटली मेटाबोलाइज नहीं होती, कुछ ना कुछ अमाउंट उसका यूरिन और फिकल मटर के थ्रू निकलता है या मैक्सिमम अमाउंट उसे निकलता है। और ये मैक्सिमम जो अमाउंट है, मान लो कोई भी वाटर बॉडी या डिस्चार्ज हुआ, पानी का ड्रेनेज आपके फ्लश का डिस्चार्ज हुआ, क्या हुआ कि पानी भरने से वहाँ से सीवेज लीक होने से या इस तरह की चीज़ों से क्या हुआ, तो बाहर निकला और बाहर निकलने से क्या हुआ, पॉन्ड्स में गया, तो अल्टीमेटली क्या है कि ड्रग्स जो जितनी भी है वो कहाँ गए, पानी में गए। तो उसमें क्या होगा कि उसके एंडोक्राइन एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा, इवन समटाइम इट लीड टू द जेंडर बाइंडिंग। जेंडर बाइंडिंग इज ए फिनोमिना इन विच ए मेल फिश लुक लाइक ए फीमेल वन एंड समटाइम दे पजेस द बोथ द मेल एंड फीमेल ऑर्गन। ओके, तो कुछ ड्रग जो एंटी डिप्रेशन, कुछ ड्रग से क्या किए एंटी डिप्रेशन इफेक्ट्स या उनके बिहेवियर जो फिश के, ये एंटी डिप्रेशन ड्रग्स हैं वो क्या है, वो फिश के बिहेवियर को भी चेंज कर सकती हैं। ओके, अल्टीमेटली दे अफेक्ट द फिश। एक सेकेंड, एक अब जो पेस्टिसाइड्स हैं जैसे डीटी और पीसीबी पॉली हाइड्रोक्लोरिन से कंपाउंड बेंजीन, तो ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में अगर प्रेजेंट है तो दे लीड टू द मैनी डिजीज इंक्लूडिंग कोलीफ्लोर डिजीज, इट्स ए लिम्फोसाइटिस एंड अल्सरेशन, मतलब अल्सर हो जाएगा फिश को, एंड लीवर न्यूप्लासिया, इवन लीवर कैंसर, इट द लीवर कैंसर, माल फॉर्मेशन ऑफ कॉमन डैब, कॉमन डैब एक फिश है, बाकी फ्लाउंडर, इट्स ए प्लेसी एंड वाइटनिंग, हेलिग्रिस, इन सब में क्या आएगी, इन सबको मल फॉर्मेशन का ग्रोथ ही नहीं होने देगा। लीवर डिजीज इंक्लूड न्यूप्लेसिया, ड्रस्ट्राइब इन विंटर फाउंडर इन द पेलियोनेक्टस अमेरिकन फ्रॉम द बोस्टन, उस जगह पर क्या है कि बोस्टन के पास में वहाँ पे क्या था कि पेस्टिसाइड की इंडस्ट्री थी, तो उसके बहुत साल बाद भी क्या है कि उसका इफेक्ट दे अभी भी देखा जा सकता है। ओके, और दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीडीटी एंड पीसीबी। नेक्स्ट है कि हैवी मेटल्स। अब हैवी मेटल्स आप जानते हैं दे अफेक्ट द फिश इन मैनी वे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे, यू नो कि बहुत सारे केमिकल हैं, चाहे वो फिश है चाहे वो ह्यूमन है, आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो मेटल्स हैं वो ट्रेस अमाउंट में हम लोगों की हेल्थ के लिए भी जरूरी है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि वो हार्मफुल हो जाएगा, चाहे ह्यूमन है चाहे फिश है। तो जे इन जनरल वे द फिश को ये जो हैवी मेटल्स है, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी है, वो कैसे इफेक्ट करती है, ये तीन तरह से इफेक्ट कर सकती है, बाय द गिल्स, आपके गिल्स आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन उन सब में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर सकती है, बॉडी सरफेस को खराब कर सकती है, बॉडी सरफेस को चार कर सकती है, मतलब उसके लेजन्स बना सकती है। ओके, और इन सब में जो गिल्स है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। ओके, दूसरा जो मेटल्स हैं उसका जो टॉक्सिसिटी है उसके कंसेंट्रेशन और ड्यूरेशन कितने टाइम तक एक्सपोज हुआ उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, तो हैवी मेटल्स क्या है कि जैसे अब आप जानते हैं कि छोटे छोटे एनिमल्स से स्टार्ट होकर एक फूड चेन में क्या है कि फूड चेन में जाते हैं। ओके, हैवी मेटल कंसेंट्रेटेड वाटर एंटर इन द फूड चेन। ओके, और पढ़ते हर एक लेवल पे इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ता जाता है। यू कैन से 10% लो अप्लाई होता है कि अगर एक फिश में 0.1 है एक लेवल पे तो दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे वो 1 हो जाएगा, इसी तरह सेकंड में 10% लो अप्लाई होता है। ओके, दे अब दूसरा, अगर कॉपर पार्ट वाटर में प्रेजेंट है तो ये
इंक्रीज इट कैन इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी एक बार रिपीट कर दीजिए कौन सा अच्छा है मतलब 10% वाला बोले हाँ तो एक जो हैवी मेटल्स हैं या जो भी कहो कि टॉक्सिक कंपाउंड है वो 10% के अकॉर्डिंग 10% लो है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रॉफिक लेवल में किसी टॉक्सिक कंपाउंड या मेटल की जो कंसेंट्रेशन है वो 0.1 है तो दूसरे में इसका 10% के दूसरे ट्रॉफिक लेवल में क्या कितना हो जाएगा इसका दूसरे ट्रॉफिक लेवल में इसका जो परसेंट है वो 1 हो जाएगा और तीसरे में क्या होगा 1 का 10 हो जाएगा मतलब ये 10% 1 हो जाएगा हाँ मतलब 1 का 10 हो जाएगा ना ठीक है तो इस तरह से क्या है वो बढ़ता जाएगा वो हर बार हर लेवल में जितने भी ट्रॉपिक लेवल बढ़ेंगे जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ठीक है और टॉप लेवल बढ़ते बढ़ते वो एक क्या है कि उनका एक्यूमुलेशन होता जाएगा ओके अच्छा सर वहाँ पे एनर्जी कम होगी एनर्जी भी 10% लो के अकॉर्डिंग बढ़ती है एनर्जी कम नहीं होगी लेकिन इसका जो टॉक्सिक मटेरियल है ना उसका एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा ओके ओके मतलब वो इकट्ठा होती जाएगी तो जितने भी एग्जांपल दीजिए ना अभी आएगा तो जितने भी ये हैवी मेटल्स हैं ये आपके एडिपोज टिश्यू में जो एनिमल है म्यूट करो जो एनिमल है उसके एडिपोज टिश्यू में इकट्ठा होते हैं ओके वहीं से जैसे जो भी कुछ भी है मान लीजिए फिश है नहीं है जो आप क्या क्या बोलते चिकन लेकर आते हैं वो अगर पेस्टिसाइड पे या मेटल पे फीड है तो उसके एडिपोज टिश्यू में बहुत ज्यादा है ये सब इनकी कंसंट्रेशन होगी ओके बेसिकली जैसे कॉपर है मैं बताया कि वो विब्रो एंगुलेसिस की ससेप्टिबिलिटी को बढ़ा देता है कॉपर क्या है कि कॉपर जो कॉपर है जो फिश के गिल्स पे एक म्यूकस लेयर होती है उससे बाइंड कर जाता है और उससे बाइंड होने पे करने से क्या होगा कि उसकी जो ऑक्सीजन ट्रांसफर की कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर देता है ओके और जब ऑक्सीजन कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी मतलब फिश को ज़्यादा सांस लेना पड़ेगा तो अल्टीमेटली क्या है ये दूसरे उसमें कि कम ऑक्सीजन हो जाएगी तो नंबर ऑफ लिम्फोसाइट नंबर ऑफ ग्लूकोज ग्रेनुलोसाइट ये क्या है फिश के अंदर फिश के ब्लड में इनका नंबर घट जाएगा ओके और इनका नंबर घट जाएगा मतलब जो टॉक्सिक फैगोसाइटिक नेचर है सेल्स की वो या फैगोसिटी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी अब जो दूसरा जो कंपाउंड है वो टाइटेनियम ऑक्साइड है टाइटेनियम ऑक्साइड क्या करता है जैसे जो घरों पर आजकल यूज होता है कि एंटी डस्ट और एंटी ये सब वाला कि एंटी डस्ट क्या क्या चीजें हैं उन सब में टाइटेनियम ऑक्साइड यूज होता है ओके इट आल्सो अब अल्टीमेटली बारिश ही पड़ेगी तो कुछ तो निकलेगा ना वहां से तो पानी में जाएगा तो वो क्या है पानी पानी में फिश की एपिडर्मिस को उसके लिम्फोसाइट को और उनके लीवर में नोड्यूल्स प्रोड्यूस कर देगा ओके और ऐसा और विद इन्फेक्शन विद ग्लूकोज स्पीसीज ये भी एक पैरासाइट है इन कॉमन डैब ये लिमानाडा स्पीसीज है अलास्का रीजन में पाई जाती है ओके उसमें ऐसा ऐसा रिपोर्ट किया गया और यही सब कंडीशन दूसरी फिशीज में भी फिश में भी होती है ओके टाइटेनियम ऑक्साइड या टिन के कंपाउंड ये सब आपके पेंट में यूज होते हैं ठीक है अल्टीमा दूसरा जैसे आपका जो फिश है फिश के अंदर एक मिथाइल और आर्सेनिक दो ऐसे कंपाउंड है आप जो सॉरी मिथाइल नहीं एच जी मरकरी ओके सेलफिश ऑफ एनिमल अब जो सोर्स ऑफ मिथाइल मरकरी और मिथाइल मरकरी ये अल्टीमेटली क्या की ये एक्चुअली वाटर में डिजोल्व नहीं होता है तो वाटर में डिजोल्व ना होने की वजह से है कि अगर फिश जो इस पर डिपेंड करते हैं फिश या सेल जो एनिमल को इन एनिमल को जिनमें यह है क्योंकि वाटर में डिजोल्व नहीं होता तो ये निकलता नहीं है तो अल्टीमेटली क्या है ये क्या है एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है किडनी में ठीक है तो इनका एक्यूमुलेशन क्या है वो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर देता है जैसे हाई लेवल ऑफ मरकरी एक मिनामाटा डिजीज आपने सुना होगा फिश में
तो वहां पे क्या है कि उसके लीकेज ऑफ हाई लेवल ऑफ मरकरी कोई सब हुआ था ओके जापान में 1974 में। आर्सेनिक, आर्सेनिक जैसे इस रीजन में बंगाल के रीजन में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। सर ये फिश में ही तो बनता है ना मिथाइल मरकरी। हाँ तो ये फिश में ही बनता है, देखो ये बिल्ड अप इन फिश सेल्फिश एनिमल दैट इट द फिश ओके। तो ये एक्युमुलेशन करके क्या क्या करता है? ये मिथाइल मरकरी फिश में डिजोल्व नहीं होता है, पानी में डिजोल्व नहीं होता, तो जितने भी जो फिश को खाएगा उसमें निकल नहीं पाएगा क्योंकि पानी में डिजोल्व नहीं है, तो वह यूरिन के थ्रू नहीं निकल पाएगा, तो वहां पे ये डिजोल्व हो जाएगा, मतलब डिजोल्व नहीं एक्युमुलेट हो जाएगा। और ये जो मिथाइल मरकरी है इट ये प्रेजेंट है जो किंग मैकरेल्स है, मर्नील्स है, ऑरेंज रफ्लिकसार्स है, सोल्ड फिश है, टेली फिश है और बगैर टूना, इन सब में प्रेजेंट होता है ठीक है। तो जहाँ पे मरकरी का लेवल ज्यादा है वहां पे इन सब फिश को अवॉइड करना चाहिए ओके। इसी तरह आर्सेनिक का है, अगर आर्सेनिक क्या है कि ये आपके रिडक्शन ऑफ ग्रोथ, आर्सेनिक का भी ऐसी है साइज रिडक्शन, हीमेटोलॉजिकल बायोलॉजिकल अल्ट्रेशन, हॉर्मोनल डिस्टर्बेंस, हिस्टोपैथोलॉजिकल अल्ट्रेशन, एम्ब्रियोटॉक्सिसिटी उनके यंग वंस ही डेवलप हो जाएंगे, जीनोटॉक्सिसिटी इवन दे हैव द कार्सिनोजेनिक इफेक्ट इन फिश ओके। तो ये कार्सिन कैंसर भी कोज कर सकते हैं फिश में। क्रोमियम, क्रोमियम भी एक ऐसे कंपाउंड है फिश में दो इट्स मतलब क्रोमियम कुछ जगह एंजाइम में काम आता है ठीक है, लेकिन अगर हायर कंसेंट्रेशन है इट डैमेज द फिश गिल्स ओके नियर द पॉइंट जहाँ पे अगर ऐसा रिपोर्ट है कि जहाँ पे क्रोमियम के डिपोजिट से वहाँ पे जो फिश गिल्स हैं उसमें अल्ट्रेशन हो जाता है उसका डैमेज हो जाता है। सब लिथल कंसेंट्रेशन ऑफ कैडमियम ये आपका इट्स आल्सो इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रोफोरिक अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटीन सेगमेंट इन मसल्स ठीक है, वहां पे उनके जो अरेंजमेंट है उसको भी डिस्टर्ब कर देता है ओके। तो ये सब अल्टीमेटली क्या है ओके। तो कैडमियम आपके जो इलेक्ट्रोफोरेटिक अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स है उसको गिल्स में उनको अफेक्ट कर देता है, मसल्स में अफेक्ट कर देता है ठीक है। जिंक, जिंक क्या है कि उसका जो आयनिक बेस है एसिड बेस और आयन रेगुलेशन उसको डिस्टर्ब कर देता है इन गिल्स, गिल्स टिश्यू एंड इट्स ऑल मेक विद द हाइपोक्सिया कंडीशन ओके। अब नेक्स्ट अच्छा वो बायो मैग्नीफिक तो नेक्स्ट है आपका ओएल स्पिल, ये एक एग्जांपल है एक्चुअल में कि ओएल स्पिल, ओएल स्पिल क्या है कि आप जानते हैं कि आप देखते हैं कि कई बार न्यूज आती है कि बहुत जगह पानी जो ऑयल भरे हुए टैंकर से वो पलट जाते हैं, जो जहाज वो पलट जाते हैं। तो वन ऑफ द मेजर लार्जेस्ट ऑयल स्पिल अकर इन 1989 इस एक्सोन वेल्स रन अराउंड द बैली ग्रीफ इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ विलियम साउंड्स और इट लीड टू द स्पिल ऑफ ओवर अबाउट 40×10⁶ लीटर मतलब मिलियन 40 मिलियन लीटर क्रूड ऑयल इन यूएस सी वाटर ठीक है। और इस सी वाटर के में होने से क्या हुआ कि ये फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ ऑयल अराउंड द ऑन द सरफेस ऑफ सी ओके। आफ्टर 3 डेज सी वाटर काम स्मूथ सी स्ट्रॉन्ग विंड्स अरोज ये इसके 3 दिन में ही पूरे मतलब ये जापान तक फैल गया 750 किलोमीटर ट्रांजेक्टरी में फैल गया और इट अफेक्ट द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। और इसका जो कंट्रोल है वो बड़ा डिफिकल्ट हो गया ओके। द कंट्रोल वाज डिफिकल्ट ड्यू टू वेरिएबल वेदर कंडीशन टाइड साइकिल दैट रेंज अप टू 6 मीटर ये क्या है कि वहाँ पर टाइड साइकिल भी टाइड साइकिल के आगे 6 मीटर तक ऊपर पानी चला जाता है ओके। और इसी में ये सारा आपके कोडेक एक्सपेगोन पेंसिलिया इन सब में पूरी तरह ये फैल गया 6 डे में। डिस्टर्ब डेप्थ ऑफ ऑयल सीशोर डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल बोथ सरफेस और विद इन द बीच सबस्ट्रेट ये पूरी तरह से उसको अफेक्ट कर दिया 20% ऑफ ऑयल। हालांकि 3-4 दिन बाद क्या हुआ
20% इवेपोरेट हो गया, 40% डिपॉजिट ऑन द बीच विद इन द उस पर्टिकुलर रीजन में पीएसडब्ल्यू प्रिंस वेल साउंड्स में, एंड अबाउट 10% एंटर्ड इन द गल्फ ऑफ अलास्का। मतलब पूरा ये बहुत बड़ा तो जो पूरे उस रीजन को ही कवर कर लिया। और ऑयल स्पिल बेसिकली इट अफेक्ट द इकोसिस्टम इन थ्री वे, या क्योंकि फिश की पॉपुलेशन को तीन तरह से कर सकता है। हालांकि इसके लिए कमीशन बना था, उसी की रिपोर्ट है, उसी के बेस पे है। तो मोर्टिलिटी मतलब कि नंबर ऑफ फिश जो भी उससे कॉन्टेक्ट में आएगी, ऑयल पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर से जो एयर से कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि फिश की डेथ। फूड सोर्स जो है उनकी डेथ हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या है कि जो फिश की मोर्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी। इंजरी सब लीथल अगर इफेक्ट है तो इंजरी दैट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फिजिकल कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एंड लार्वे। ठीक है, तो जुवेनाइल्स के जो सब लीथल मतलब जुवेनाइल्स उनके है, जो लार्वे है उनका डिग्रेडेशन हो गया, वो खत्म है। ओके, डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट, अब जैसे बताया कि फ्लोरा और फाना जो वहाँ का है उसको ही डिस्टर्ब कर दिया। इट इंक्लूड जो इसके जो इफेक्ट हैं फिश की फिश पॉपुलेशन पे, इट में भी इंक्रीज द लार्वल मोर्टिलिटी, मतलब जो लार्वा का डेथ रेट है वो बढ़ा देते हैं। ओके, उसके डेथ रेट को बढ़ा दें। लार्वा ऑयल साइट जो जिस जो ऑयल साइट की जगह से, क्योंकि वहाँ पे क्या है जो लार्वा और ये सब है वो जो फिश है वो छोटे साइज की डेवलप हुई, और छोटे साइज की डेवलप हुई मतलब बिकॉज ऑफ लेस फूड, और उनकी जो ग्रोथ रेट है वो स्लो होगी। और आप जानते हैं कि जो स्टंटेड और शॉर्ट होगी उसमें डिजीज के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। ओके, दे आर मोर ससेप्टेबल टू डिजीज देन द नॉर्मल वन। साइटोजेनिक डैमेज भी उनमें ज्यादा है। प्रिवलेंस ऑफ एसिटाइसाइट्स मतलब एक्यूमेशन जो है एसिड जो सॉरी एसिड साइट्स जो फ्लूड है उनकी जो कैविटीज हैं, हार्ट की कैविटी है, इन सब की कैविटीज है, वहाँ पे क्या है कि फ्लूड का एक्यूमुलेशन हो गया। इट वॉज ग्रेटर देन 16% देन द नॉर्मल वन। एसिटाई पेरिकार्डियल एडीमिया, एडीमिया मतलब वहाँ पे जो हार्ट के चारों तरफ पानी भरने की दिक्कत, प्रोबेबली रिवर्सेबल लीथल लेजेंस इन मोस्ट ऑफ द अफेक्टेड फिश, उसमें इस तरह की कंडीशन एसिसाइट पेरिकार्डियल एडीमा हो जाते हैं, एसिस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है, उनके साइटोजेनिक डैमेज भी हो जाते हैं। ओके, और नेक्स्ट है इसका हेपेटिक नेक्रोसिस मतलब लीवर कैंसर, और लीवर हेपेटिक नेक्रोसिस होने की वजह से फिश की जो सेल्स हैं उनमें नेक्रोसाइज हो जाए, और उससे क्या इन्फ्लेमेशन हो जाए, और इन्फ्लेमेशन से क्या होगा वायरल इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का वो है बायो मैग्निफिकेशन। जैसा हम पहले ही बात कर रहे थे कि बायो मैग्निफिकेशन एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जो कंसंट्रेशन है जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। और इस तरह की रिपोर्ट, हालांकि ये सभी की मेटल के लिए या सभी टॉक्सिक कंपाउंड के लिए जरूरी नहीं, डिपेंडिंग ऑन द अदर फैक्टर्स टू, लेकिन ये आर्सेनिक और मरकरी के लिए वेल डॉक्यूमेंटेड है, और इनकी जो कंसंट्रेशन नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हाई हो जाते हैं। कंजप्शन ऑफ फिश फार मोर सिग्निफिकेंट सोर्स इंजेस्टेड रिलेटेड मरकरी एक्सपोजर ह्यूमन एंड एनिमल, दे प्रेजेंट जो पहले लेवल पे उसमें स्मॉल क्वांटिटी में है लेकिन ओके, तो जो नेक्स्ट लेवल है उस पर वो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जैसे मिथाइल और मिथाइल मरकरी का एक स्मॉल कंसंट्रेशन सी वाटर में भी है, तो दे अब्जॉर्ब एंड यूजुअली मिथाइल अल्कोहल बाय एल्गी, और दैट लीड टू द स्टार्टिंग ऑफ फूड चेन। द एल्गी इज ईटन बाय फीड फिश, और फिश के बाद दूसरे ऑर्गेनिज्म। फिश एफिशिएंटली अब्जॉर्ब द मिथाइल मरकरी बट एक्सक्रीट स्लोली, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है लेकिन इसका जो एक्सक्रीशन है वो स्लो है। मिथाइल मरकरी नॉट सोलबल बट देयर फॉर दैट वाई दे इज नॉट एक्सक्रीटेड, तो इससे क्या होगा उसका एकुमुलेशन बढ़ जाएगा, और एकुमुलेशन बढ़ने से क्या होगा दूसरे लेवल में वो एंटर कर जाएगा।
तो बायोअक्युमुलेशन ऑफ हैवी मेटल्स टेक्स प्लेस इन एजिपोड टिश्यू ऑफ सक्सेसिव ट्रोफिक लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम द जूपर प्लैंकटॉन्स और जैसे लार्ज एयर एंड सोन जैसे जैसे जाएगा इनका एक्युमुलेशन बढ़ता जाएगा. ओके एंड द सेम हायर ट्रोफिक लेवल द कंसेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम गेट डिपोजिट या एक्युमुलेटेड इन हायर लेवल. टॉक्सिक केमिकल मैंने आपको बताया कि इस तरह के जो है कि पहले लेवल से दूसरे लेवल पे ज्यादा होगी. जैसे इसका एक एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड विद द बेस्ट एग्जांपल, अगर हेरिंग फिश कंटेन मर्करी लेवल एट अबाउट 0.1 पार्ट पर मिलियन. ओके इसको जो हेरिंग्स है उसको शार्क खाएगी तो इट द शार्क कंटेन द मर्करी लेवल अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर देन 1 पार्ट पर मिलियन. ओके तो लगभग कितना होगा 10% का. ओके तो इस तरह से उसको वो 10% के अकॉर्डिंग वो एक्युमुलेशन हो जाता है. दूसरी जो चीज आती है वो है एल डी और एल सी फिफ्टी हमारे कोर्स में यहाँ पे. तो एल सी फिफ्टी में क्या होता है कि जितनी कंसेंट्रेशन पे जिस डोज पे जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल है उनमें 50% की डेथ हो जाए उसको हम बोलते हैं LC50 या लीथल कंसेंट्रेशन. ओके तो जितने पे एक्सपेरिमेंटल एनिमल की चाहे वो टॉक्सिक केमिकल है चाहे वो ड्रग है एनिमल की डेथ हो जाए वो है LC50. ओके और ये सब सभी एनिमल के लिए ये क्योंकि आपने चूहों हेलो सर हेलो सर हाँ इसको थोड़ा फिर से रिपीट कर दीजिए LC50 को. हाँ कर रहे हैं तो LC50 मतलब है लीथल कंसेंट्रेशन.